अगर आप भी चिकन खाने के शौकीन हैं तो आपको यह खबर जरूर देखनी चाहिए। दरअसल चिकन में ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी वजह से गंभीर बीमारी से आप परेशान हो सकते हैं। क्या है पूरी खबर देखिए। जानवरों या पक्षियों से इंसानों में संक्रमण का फैलना काफी भयावह होता है। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू का उदाहरण हमने देखा है। अब पता चला है कि पोल्ट्री फार्म यानी मुर्गी पालन के बिजनेस से जुड़ी एक बड़ी कंपनी इस तरह के दवाओं का इस्तेमाल कर रही है जो इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है। कंपनी का नाम है वेंकीस। ये चूजों के लिए खाना, उनका तेजी से विकास हो, इसके लिए प्रोडक्ट बनाती है। इस तरह के प्रोडक्ट को ग्रोथ प्रमोटर कहते हैं। यानी चूजे जल्दी से बड़े हो जाएं। अब द ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक वेंकीज ऐसी एंटीबायोटिक्स की मार्केटिंग कर रही है जो काफी खतरनाक मानी जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी पोल्ट्री प्रोडक्शन में तेजी लाने के लिए कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रही है जिसमें ऐसी दवाएं मौजूद है जो मानव स्वास्थ्य के लिए घातक है। कई सारी महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक्स को प्रिवेंटेटिव यूज के तौर पर बेचा जा रहा है। प्रिवेंटेटिव यूज यानी किसी बीमारी के होने की आशंका से बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा। इस प्रैक्टिस को लेकर विवाद भी है क्योंकि इसमें बीमारी होने की आशंका को कम करने के लिए एक दिन के स्वस्थ पक्षियों को भी डोज दिया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो एंटीबायोटिक दवाएं चूजों को दी जा रही है वो इंसान के स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक है। तेलंगाना की कम से कम 2 पोल्ट्री फार्म्स में इस तरह की दवाओं के इस्तेमाल की खबर है। चूजों का विकास तेजी से करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल यूरोपियन यूनियन के देशों और अमेरिका में बैन है, लेकिन फिलहाल ये भारत में हो रहा है। जबकि प्रिवेंटेटिव यूज कुछ अपवादों को छोड़कर यूरोपीय यूनियन के देशों में पूरी तरह से बैन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी चूजों का तेजी से विकास करने या प्रिवेंटेटिव यूज में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने का विरोध किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दवाएं उन दवाओं के प्रभाव को कम कर सकती है जो इंसानों में इन्फेक्शन फैलाने के बाद दी जाती है। साल 2019 में हुई एक स्टडी में करीब 13 लाख लोगों की मौत AMR से जुड़े संक्रमण की वजह से हुई, जो कि HIV, एड्स और मलेरिया से मरने वालों के आंकड़ों से ज्यादा है। रोगाणु रोधी प्रतिरोध तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक समय के साथ बदलते हैं और दवाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, जिससे संक्रमण का इलाज करना कठिन हो जाता है और बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। दवा प्रतिरोध के परिणाम स्वरूप एंटीबायोटिक्स और अन्य रोगाणु रोधी दवाएं अप्रभावित हो जाती है और संक्रमण का इलाज करना कठिन या असंभव हो जाता है। सरकार को पोल्ट्री फार्मिंग में एंटीबायोटिक के अधिक इस्तेमाल को संज्ञान में लेने की जरूरत है ताकि इससे जुड़े रिस्क को कम किया जा सके। सरकार ने इस तरह के एंटीबायोटिक दवाओं को प्रतिबंधों की श्रेणी में रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।